Hey guys, what's up? Namaskar, welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. आज हर बार की तरह लेट हो रहा हूँ. ट्रेन की टिकट कर ली हमने यहाँ से दिल्ली के लिए. ठीक है, अभी हम लोग लेट ही हो रहे हैं. तो रात को हम लोग रात को पैकिंग ही चल रहा था हम लोग का 7-8 बजे. करते करते फिर अभी हम लोग 8 बजे उठ रहे हैं सीधे. तो क्या बोल रहा हूँ, अभी रात भर पैकिंग चली है. चलो भाई जब निकल रहा हूँ फटाफट यहाँ से, ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि कैसे कैसे ब्लॉग बनेगा. प्रिंस, गाड़ी में ना सीट कवर वहाँ लगवा देना. ठीक है, इसका कपड़ा कहाँ है? रुको रुको, चार्जर पर दिखाओ क्या क्या चीज़ आ रही है. सी टाइप है, इसको ले ले जाना है, इसको ले जाना है. तो घड़ी घड़ी क्या है? घड़ी घड़ी क्या है? रखवा दो, इतनी चीज ये हो गया बस. ये भी नहीं चाहिए? नहीं, ये भी नहीं चाहिए. रंजना इधर आएगी तो बंद ही कर. चलो, हाँ बंद कर, रूम बंद कर, रूम बंद कर देना. वो हाँ बंद कर. क्या है इसमें? पावर बैंक रखी है मुझे? वो तो इसमें था नहीं है इसमें. इसमें हमने हम रखे हैं तो नहीं था. नहीं तो हमने नहीं था. पावर बैंक तुम्हारे पास है प्रिंस? वहाँ पे फोन है. किसका है? प्रिंस तुम्हारे पास है पावर बैंक? हेलो भाई, क्या नहीं नहीं सब लोग बोल रहे हैं कि एक चाबी यहीं पे है, हम तुमको बता देंगे फोन पे. ठीक है, अगर ये हुआ वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ आएंगी तो कहाँ आएंगी? कौन आएंगी? वही ऊपर वाले रूम में. ये वाला पर्सनल बेडरूम किसी को नहीं दिया जाता है और तुम लोग सो नहीं सकते हो, इसीलिए हम रूम कर रहे हैं. बाकी चाबी है उसमें, तुम्हारे पास गाड़ी में है. ठीक है, पावर बैंक तुम्हारे पास है? मिल गया पावर बैंक, मिल गई. चलो वापस, वो चाबी कहाँ है गाड़ी का? ऐसे कन बोल ऐसे कन बोलते आएंगे तो रहोगे. आपने बोला आएंगे तो रहोगे ना? कुछ छूटा नहीं है? नहीं छूटा नहीं है रंजन. हमको भी चलना है. टाइम अभी हार्ट. प्लीज पास इन ड्राइवर सीट बेल्ट. हार्ट 10 हो रहा है. ट्रेन टाइम पे है, लेट है 15 मिनट. इसीलिए ना शांत से बैठा है तुम इस चीज़ में.
15 मिनट लेट नहीं होता, वो पटाक से कवर कर लेंगे। आ जाती है टाइम। चंडीगढ़ से निकली है। Okay guys, तो अभी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा खासा हेक्टिक हो गया। 8 बजे प्रकाश आके धीरे से बोल रहा है 8 बज गया है, 8:40 में ट्रेन है और ट्रेन पकड़ने के लिए भी 30-35 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये है कि रोड अच्छा तो 15-20 मिनट लगता है, बट अभी के टाइम पे थोड़ा भीड़ हो जाता है इसीलिए मेरे को टेंशन हो गई। पीछे बाबू है, ये भी है। पहले आज 7:10 पहले बाबू को हम एक बार भाग के छोड़ने गए थे इसी ट्रेन से शायद। अभी एक बार निकल गए अम्बाला के लिए और कुछ ऐसा नज़ारा होता है तो भाग दौड़ वाला सिस्टम हो ही जाता है, ट्रेन में ही होता है भाग दौड़, जबकि ट्रेन में हम लोगों को टाइम से पहुंचना चाहिए। अभी एक भैया इंडिकेटर तो दे रहे हैं किधर जा रहे। तो गाइस अब आपको बताता हूँ मज़े वाली बात, मज़े वाली क्या सजे वाली बात बेसिकली, जहाँ पे हमारा नुकसान हो गया। सुबह सुबह मैंने ना डायनेमिक फेयर में शताब्दी की टिकट करी, जन शताब्दी ट्रेन थी, और करंट रिजर्वेशन में डायनेमिक फेयर लगा करके टिकट बुक करी अम्बाला से दिल्ली के लिए। ठीक है, महंगी तो टिकट थी। अब जब से हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन ही हमारी हमारे सामने नज़रों के सामने चली गई। गार्ड बोला, वो टीटी बोला कि गार्ड रोक देगा, आप एक बार बोल दो गार्ड को। गार्ड आया तो कह रहा है अगली ट्रेन में आ जाना, प्रैंक हो गया हमारे साथ। सुबह सुबह वापस हम लोग गए, मैं बोला कि चार अब कैब वैब देखते हैं, तब तक एक कैब वाला आया। मैं बोल रहा हूँ 6,000 में तो गाड़ी लेके नहीं चला जाऊँगा। शूट करेंगे कैब जाती क्या बोल रहे हैं। दूसरी बार ट्रेन छुट्टी है, बनारस में भी ऐसा ही हुआ था। बनारस ट्रेन पकड़ने के सामने से ट्रेन निकल गई, आज भी वही हुआ, सामने से निकल गई। उठ के बैठे सबसे लास्ट में गया, सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कौन कहाँ लेट किया है। नो 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 कौन सी गाड़ी जाएगी बेटा, लोकल गाड़ी है मेरी, टेंशन ना लो। सामान कितना बेटे? हेलो जगीरपुरी मेट्रो छोड़ उनको दोनों, कितने बजे आप किया? 8:30 जाते हैं। बढ़िया चलो रख रख। हेलो कितना? एक सीट होल्ड कर, एक वही 500 रुपये सवारी है और मेट्रो से छोड़ दिया। बात सुनो, ये बैग दे दो आप। खड़ी करेंगे आप आगे बेटे, आप बैग वाला आगे बैठो। दिल्ली तक ही कंफर्म हो गया हम लोग का। मेरा भी इसी में था, छूट गया ट्रेन। आप कहाँ जाने? हम लोगों तो मलेशिया जाना है।
हे गाइस, तो अभी हम लोग कैब में बैठ गए हैं फिलहाल, अब कैब से जा रहे हैं। कितना कुछ सोचे थे कैसे जाएंगे ट्रेन में जाके, दूसरी बार हो रहा है। हम सोचे कि चलो ट्रेन है ना, ट्रेन में जाके ब्रश करेंगे, कहीं अपना सब कर लिए, इतना जल्दी जल्दी सब कर लिए, कपड़ा भी चेंज कर लिए, रेडी भी हो गए, सामान भी निकाल लिए थे, सिर्फ 2 मिनट और चाहिए था, 1 मिनट भी रहता तो हम लोग का कर लिया था। 43 में शूट की है वीडियो, 8:40 में हम लोग अभी कहाँ थे, 8:40 में ट्रेन देख लिए थे खड़ी है। नहीं तो रास्ते में हम बोले कि 8:40 हो गया है क्योंकि कार उस टाइम कोई बात नहीं, पता है क्या, ट्रेन लेट होने के बाद भी हम छूटी, पहले ही ट्रेन छूट गई। लोग बोलते हैं ना कि लड़की गाड़ी और ट्रेन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, भागते रह गए और ट्रेन छूट गई। गाइस, तो आप लोग पहला चीज़ तो हमको ऐसे देख रहे हो, हमें लगा कि हम ट्रेन में बैठेंगे ना तो पहले आराम से सोएंगे, उसके बाद से उठेंगे तो ब्रश करेंगे, फिर चाय आता है जाता है तो वो पियेंगे आराम से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बोल रहे थे कि सनी तुम मेरे पास आके बैठो, जब सामने से ट्रेन जा रही थी। ये भी एक फन है, मतलब ये भी एक्सपीरियंस हो गया, दूसरी बार हो रहा मेरे साथ, तो खैर मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ट्रेन छूटी है आँख के सामने से, जस्ट बिकॉज ऑफ 15 से 20 सेकंड और पहले पहुँचते, वो भी 20 सेकंड भी नहीं, वो खाली थोड़ा सा लोग जो स्टेशन में भीड़ में रहते ना वो नहीं रहता ना, तो हम लोग पक्का ट्रेन में बैठ चुके होते हैं। और सबसे खास बात ये है ना कि जो पूरे रास्ते में हम लोग आए, ये एग्जाम्पल नहीं, जैसे हम लोग अम्बाला कैंट में एंट्री कर रहे हैं वो एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं हमारे, हम बोले आराम से चलो भैया, आराम से चलो। अब ये दो बार एग्जांपल देगा, एक भैया का देगा एक मेरा देगा, कि आप सभी के साथ जा रहे थे तो बोले कि आराम से चलो, आराम से स्टेशन पे लोग पैदल था, पहले गाड़ी का बोल रहा था आराम से चलो, अब लोग कब पैदल थे, अरे भाई रुकेगी गाड़ी, रुकेगी, हम बोल भी रहे रुकेगी गाड़ी, तो कह रहे नहीं नहीं आराम से चलो, आराम से चलो, हम बोले समर में नहीं उतार रहे। एक बात हम बताए, ये जब हमको बोल रहे थे मनीषा तुम जाओ ट्रेन में चढ़ो चढ़ो, ये बोल रहे नहीं भाभी नहीं, हमारे दिमाग अब ट्रेन चल रही है तो हम लोग चढ़ने के लिए थोड़ी रुकेगी, हम बोले ट्रेन रुकेगी वहाँ पास में तो पहुँचे, रुकी थी नहीं रुकी थी, धीरे चल रहे थे वो, ठीक है उसने में चल जाते आदमी आराम से, फैमिली के साथ वो रोका ही इसलिए था, गार्ड रोकता है चढ़ाने के लिए, अगर हम लोग ऐसे हाथ कर लिए होते तो रोक दिया होता, लगेज भी तो था हमारे पास, फिर लगेज दिखा गया कितना पीछे, पीछे हमारा लगेज है 3 लगेज है, क्या 3 लगेज है, कटप्पा और बाहुबली साथ में। हम ये कह रहे थे तब जाके कि पता है ऐसे हम बोल रहे थे आराम से चलने के लिए और सामने से ट्रेन चली गई, तो ये जब बोल रहे थे ना तो हम वो चीज़ इमेजिन भी कर रहे थे सही में, हुआ क्या ना ठिठानी बनी, क्या हुआ जब ट्रेन मिस हो गई तब तो गुस्सा आ रहा था, इसको मैं बोला कि भाई लेट हो रहा है जल्दी बैठो जल्दी बैठो, तो देख रहे हैं कि रंजना से गले मिल रही है, फिर बोल रहे हैं लेट हो रहा है लेट हो रहा है, फिर देख रहे हैं पैर छू रही है, चलो भाई मिल विल के बाहर आ गई है, उसके बाद फिर देख रहे हैं द्वार पर जाके बाय, ये ब्लॉग में आप लोग देखना, आप लोगों को बताना 15 सेकंड भी लेट कहाँ हुआ है, अब गाड़ी में मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, उसका सब प्रिंस पैदल पैदल आ रहा है, जैसे देखे भैया गाड़ी में बैठा है जल्दी जल्दी जाना है तो थोड़ा दौड़ गया, हम बोले चलो कोई बात नहीं आइए, ऐसे आ रही है ट्रेन की मालकिन है, धीरे धीरे आके ट्रेन में घूम के बस गाड़ी में बैठ रही है, और राशिद बाहर थे मुझे भी चलना है, राशिद कह रहा है हबीबी हम जाती, हबीबी हम जाती, हम बोले कि भाई राशिद को बोले कि शताब्दी की टिकट चेयर कार में, वो भी डायनेमिक फेयर के साथ बुकिंग करी थी, जब हम राशिद को बोले ना कि आपका जो क्रॉक्स था उसको रखने के लिए, तो वो तब जाके एकदम धीरे धीरे आ रहा था फिर धीरे धीरे जा रहा था, पता है मैं उसको 6:30 बजे से उठा रहा मॉर्निंग से, राशिद तुम देख रहा है तो ये बात सच बोलना, बहुत चलो गाइस अब बहुत हो गया, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार मेरी कोई ट्रेन छूटी है, इससे पहले स्टेशन के सामने से नहीं छूटी है, इससे पहले एक बार घर पे हम बैठे हुए थे तो राप्तीसागर ट्रेन छूटी थी, केरला जाना था घूमने, ठीक है तो हुआ क्या कि केरला घूमने के चक्कर में उस पर 3 AM PM नहीं लिखा था ई टिकट पे, और वो 3 AM का ट्रेन था सिवान में, 3 PM सोच के हम लोग आराम से घर पे खाना पीना पैक कर रहे हैं,
पता क्या है कि स्टेटस चेक कर ले, ट्रेन लेट तो नहीं है 139 पे, तब पता लगा वो ट्रेन तो भोपाल पहुंची थी उस टाइम, तब हम बोले कि भाई पता है क्या, जब घर बैठो तो अफसोस नहीं होता है, ऐसे ट्रेन के एकदम सामने से ट्रेन चली गई इनके वजह से, जेठानी बन रही है ढेर, किसी की वजह से नहीं, जो होना था तो होना है। ई बाबू हम लोग उतर गए हैं सामान लेके, हम हमको पता है ट्रेन वो चलती है तो रुकती है एक बार आगे जाके, हम बोले जल्दी चलो ट्रेन के पास तक, अरे आराम से चलो आराम से, अब तो छूट गया ओए जाता नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, हम बोले गजब हाल है भाई, कोई बात ही नहीं सुन रहा है, अब प्रिंस क्या कर रहा है जिधर रोड बंद है उधर सामान लेके दौड़ रहा है, हम लोग भाई वो गाड़ी स्टार्ट है, नहीं प्रिंस भी उधर ही चला गया था, गाड़ी स्टार्ट है, हम लोग गाड़ी में कोई तो रहो यार, गड़िया लेके कोई भाग जाएगा, जब एक हाईवे आता है तो ट्रेन दिखता है ठीक है, और उसके पहले जो ट्रैफिक का वो लगता है ना वो था, तो ये पूछ रहा है कि यही है क्या ट्रेन, हम बोले भाई ट्रेन लगी हुई है, चलो गाइस हमारा ट्रिप तो हो गया यहीं पे समाप्त, पहला ही मतलब टेक ऑफ के टाइम पे फुल स्टॉप लग गया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि साथ के साथ कैब मिल गई है, तो कैब मिली है तो कैब हम लोगों ने रिजर्व कर लिया है, अब यहाँ से हाँ लास्ट में कैब वाला भी एक आया था, अब देखो अब हम लोग कैब बुक किए हुए हैं कितने में, ये पूरे सब लोगों को मिला के हम लोग का होगा 400-600 ना, ठीक है 2400 का कैब हुआ है ठीक है, और वो कैब वाला आके कह रहा है स्विफ्ट वाला इनोवा 2400 में हम लोग, कह रहे हैं 6000 रुपये, हम लोग भैया सफारी नहीं चली जाएगी, जाके आ जाएगी दो बार इतने में, तो कह रहा तो ले जाना, मामला क्या है ये तो उल्टा ही टेस्ट में बोल रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अलग डाली इसने, मामला मैं प्यार से बोल रहा हूँ भाई तू कैसे बोल रहा है, मामला 6000 में जायज मांगो तो कम से कम इतना भी ना लूटो सामने, उसको लगा कि हम लोग बाहर के हैं लूट लेंगे आराम से, और चल भाई कोई बात नहीं है, अब देखते हैं मेरी तीसरी ट्रेन कब छूटती है, थैंक यू सो मच गाइस, इस ब्लॉग को अब एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू ऑल, नहीं उसको अच्छे से पकड़िए, आपको आवाज़ ही आ रहा है।